प्रेजेंट में भी थीम होता है, लेकिन अभी राजा की डेथ के बाद जो पहला फेस्टिवल था उसको स्किप किया जाता है हर फेस्टिवल को पहले, इसलिए नहीं हुआ। होली के 16 दिन बाद होता है ये गणगौर फेस्टिवल। वैसे कहने को तो लेडीज फेस्टिवल है, क्योंकि 16 डेज तक यहाँ की जो लोकल लेडी है वो लिक्विड पे फास्ट रखती है, अपने हस्बैंड की मैरिड अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, अनमैरिड उनको अच्छा हस्बैंड मिले इसलिए। और फिर जब 16 दिन जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तब राजा खुद यहाँ आते हैं महल के अंदर, राजा का जो म्यूजियम बना हुआ है उस महल के अंदर गणगौर माता की एक मूर्ति है। गणगौर लाइक शिव पार्वती का एक पेड़ होता है, गण बोलते हैं शिव को, गौर गौरी माता पार्वती को। उस मूर्ति को महल से बाहर निकाला जाता है, हाथी के दांत का मूर्ति है। फिर एक लोकल लेडी अपने सर पे वो मूर्ति रख के गली से तालाब तक पैदल पैदल चलती है, राजा उसके पीछे घोड़े के ऊपर, फिर राजा के पीछे पूरा शहर पैदल जाता है और गली से तालाब के मूर्ति का पूजा करते हैं राजा को, फिर मूर्ति को वापस यहाँ महल में ला के रख दिया जाता है। एक राजस्थान का बिगेस्ट फेस्टिवल बोल सकते हो आप गणगौर। गणगौर तुम कितने दिन बिना पानी के रह सकते हो? जो मैरिड लेडीज है वो भी रखती है ना, दिखाना क्यों तो अभी तक आपने देखा बारी की हवेली में बाकी काफ़ी सारी चीज़ें रखी है, ये इन लोगों के कपड़े हैं जो ये लोग पहनते थे। आज की डेट में भी लोग कपड़े अक्सर इसी टाइप के पहनते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना चेंज हो जाता है। राजा है या अगर लोकल है तो ये जैसलमेर का, ये मतलब साफे को अलग अलग कलर वाइज ओकेजनली पहना जाता है, लाइक जैसे कलर होते हैं अगर शोक संदेश हो गया तो कोई भी डल डार्क कलर होता है जैसे ब्राउन या फिर एकदम फेयर कलर होता है, कहीं शादी वगैरह होगी उधर साइड में देखो ये साफा पहना जाता है कलरफुल शादी में फेस्टिवल ओकेजन टाइम पे, बाकी ये नॉर्मल रूटीन में पहना जाता है। गांव में आज भी बुजुर्ग बिना साफे के घर से बाहर नहीं निकलते, उनका आज भी शेड्यूल है सुबह उठेंगे तो सबसे पहले चाय भी नहीं पियेंगे कुल्ला भी नहीं करेंगे, सबसे पहले उठते ही कपड़ा उनका तो साफा एक ही रहता है, उसको रेगुलर रूटीन में वो खुद बांध के पहनते हैं डेली, तो वो पहले खाट के ऊपर सबसे पहले अपना मतलब साफा बांधेंगे, उसके बाद चाय वाय जो भी कहना है मतलब जो भी लेडीज को घर की बाहर चाय वाय के लिए आएगी वो जब तक आदमी साफा पहनेगा उसके बाद में आएगी। एक बिना साफे के वो किसी को नहीं मतलब किसी को दिखना पसंद नहीं करता है कि मैं बिना साफे के किसी को दिखूं। एक राजा द्वारा आगे दूसरे राजा को जो भेजा जाता था वैसे जो है चांदी के बक्से में भेजा जाता था, और वो सबसे पहले जो टीचर जो ब्राह्मण होता है वो पढ़ाने वाला और बहाने वाला उसी के हाथ में जाता है, वो पढ़ेगा मैसेज, अगर मैसेज पॉजिटिव होगा तो राजा को भरी सभा में देगा सबके सामने, अगर मैसेज नेगेटिव हुआ तो राजा को गुप्त में साइड में दिया जाता है। बाकी सारा नशे का सामान है इधर, ये अफीम का डबरी ओपियम का, बाकी ये सारा पान का नीचे चरस भांग जो मतलब पीते थे उसका सारा सामान रखा गया है। नशा भी बहुत करते हैं उस समय, जो गैजेट्स वो वहाँ पे यूज करते थे उसका ये छोटा सा कलेक्शन है, इसमें मोस्टली आपने सारा सॉलिड देखा ही होगा सारा। तब जब जिस पानी से वो नहाएगा उसी पानी को वो वापिस इकट्ठा करेगा नीचे एक पॉट में, फिर उसी पानी से वापिस अपने कपड़े धोएगा जो उसने ऑन द स्पॉट उतारे हैं चेंज करने से पहले नहाने से पहले, फिर वो कपड़े धोने के बाद उस पानी को दूसरे पॉट में इकट्ठा करके घर धोएगा उसी पानी से, लाइक पानी का सॉरी रीयूज होता था जो मतलब धीरे धीरे फिर जैसे गणेशर लेक बना फिर पानी का थोड़ा थोड़ा शॉर्टेज कम हुआ, फिर धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी के बाद में 18वीं के बाद में जमीन से पानी निकालने लगे लोग। ये है उन लोगों की उस टाइम की किचन, किचन में बहुत सारा सामान रखा है क्योंकि घर परिवार बहुत बड़े होते थे इसलिए हर तरीके का सामान इनके यहाँ मिलेगा, आइसक्रीम मेकर तक मिलेगा। किचन में आप एंट्रेंस में बर्तन देख रहे हो, इसमें सिर्फ दो मेटल है सिल्वर और ब्रास, कैटेगरी के हिसाब से चांदी और कांसे के बर्तन यूज होते थे। मिडिल क्लास जो लोग थे वो कांसे का बर्तन यूज करते थे अपनी सेफ्टी के लिए, और जैसे रॉयल फैमिली या रॉयल फैमिली से जो रिलेटेड लोग थे वो चांदी के बर्तन। इसका कारण चांदी और कांसे में अगर कोई पॉइजन डाल दे खाने में तो उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है लाइक ग्रीनिश टाइप। इसमें आप देख सकते हो बर्तन के अंदर ट्राई किया हुआ है जो इफेक्ट दिख रहा है ग्रीन, अच्छा पॉइजन का कलर है ब्रास के अंदर। ब्रास मिडिल क्लास फैमिली जो सिल्वर अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग वो ब्रास यूज करते थे, और जो जैसे रॉयल फैमिलीज थे या बिजनेसमैन जो भी थे वो उस टाइम चांदी के बर्तन यूज करते थे।
काजल बनाने का काम होता है, लाइक लाइट्स होती थी इसमें, दीपक के मोमबत्ती डाल देते थे जो भी रोशनी से ऊपर पूरा जो काला मतलब बनता था उससे मतलब पूरा काजल देते थे। काजल ये मारवाड़ी पाठशाला को मतलब मूवीज में और स्टोरीज में बुक्स में ये शुरू से मतलब बताया गया है ना कि राजस्थान सूखा होगा, बरसात नहीं होती है, पानी का कमी होगा, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे भैया। यहाँ पे आदमी दिन में 3 बार नहाता है, अपने घर के साथ साथ गलियाँ भी धो देती है औरतें, यहाँ पे गलियों में पोछे लगाती है और पानी खूब है। जितना मतलब लोगों को बताते हैं मूवीज वगैरह में उतना कुछ नहीं है, और इधर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन ही दिखेगा आपको। तो वो सूखा वाला तो ठीक है कि कोई 10-15% पार्ट या 20% पार्ट, अब टूरिस्ट अट्रैक्शन ही अगर डेजर्ट है यहाँ का तो वो डेजर्ट रखा गया है, बाकी अगर चाहे तो पूरा का पूरा ग्रीन कर सकते हैं। प्लांटिंग हर जगह होती है, पानी हर जगह पहुँचा हुआ है आज राजस्थान में मौसम।